मंदिर, घंट और घाटों का नगर वाराणसी, भगवान विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, देश नहीं दुनिया भर में जितनी मशहूर बनारस की सुबह है उतनी ही मशहूर है यहाँ की फनकारी। काशी के बसैया पर काशी के खेवैया, भंग के छनैया और गंग के धरैया, तुम भोलेनाथ है नाम। जिस शहर के शहंशाही स्वयं शिव हों, उस काशी के कलाकारों की कलंदरी से भला कौन वाकिफ नहीं होगा। हमारी खास पेशकश फिर तेरी कहानी याद आई में आज हम बात कर रहे हैं भोर से लेकर संध्या तक को अपने सुरों से सजाने वाले राग भैरव के रागों को ख्याली गायकी में पिरोने वाले महान गायक बनारस घराने की शान पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्रा की। गायन की 350 साल पुरानी पारंपरिक विरासत ख्याली गायकी की गवाही देती है पंडित राजन साजन मिश्र की गायकी। जिनकी शख्सियत को लोग दो जिस्म एक आवाज जैसे शब्दों से नवाजते हैं। ऑडियंस जो है 1.5-2 घंटा क्या सुनती है, वो आपके मनोभाव को सुनती है। ब्रज, अवधि और हिंदी के जानकार मिश्र बंधु जी ने ख्याली गायकी के अपने 50 साल के करियर में 156 रागों को अपनी आवाज देकर लोगों तक पहुंचाया है। अकबर के जमाने से मशहूर ख्याली गायकी के बारे में पूछने पर राजन जी एक ही शब्द कहते हैं, इमेजिनेशन, जिसकी शुरुआत किसी भी नाम, वस्तु, स्थान से की जा सकती है। ख्याल means imagination. तो आपको 2 लाइन या 4 लाइन की एक कविता दी जाएगी और उस 4 लाइन के कविता को इम्प्रोवाइज करके अपने ख्याल से उसको 1.5 घंटे तक गाना है आपको, दैट इज ख्याल। लेकिन उसका विस्तार जो है, उसका इम्प्रोवाइजेशन इतना होता है कि वो विस्तृत होते जाता है, सुर के बाद एक सुर के बाद एक सुर के बाद, तो वो बड़ा होते होते वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसा पहुंच जाता है। चार से 6 लाइनों के राग को मिश्र बंधु भजन और गीत के माध्यम से ख्याली गायकी में 1.5-2 घंटे कुछ इस तरह बांधते हैं कि मानो प्रकृति अपने पर फैलाए इनके सुरों में लहरा रही हो, मानो साक्षात ईश्वर दर्शन दे रहे हो। पंडित राजन मिश्र एवं पंडित साजन मिश्र, पद्म भूषण, तानसेन समन, संस्कृति काशी, गौरव संगीत भूषण सम्मान से सम्मानित राजन साजन मिश्र जी बचपन से ही युगल गायकी करते आए हैं। गुरु के रूप में सारंगी वादक पिता श्री हनुमान मिश्र और चाचा श्री गोपाल मिश्र जी का आशीर्वाद हमेशा इनके सर पर रहा। हनुमान मिश्र और गोपाल मिश्र बनारस घराने में अपने समय के मशहूर सारंगी वादक और ख्याली गायकी के चौथी पीढ़ी के सूत्रधार गवा रहे हैं। युगल गायकी करने का आशीर्वाद उन्हें अपने गुरु से ही मिला, जिसे वो अपना सौभाग्य मानते हैं।
पिताजी चाचा जी हमारे रेनाउंड सारंगी वादक थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम दोनों भाई भी एक साथ ही गाएंगे तो एक साथ रहेंगे। धीरे धीरे संगीत जो है वो प्राणों में बसता गया। संगीत की शिक्षा हमें 5 साल की उम्र से आरंभ हुई और पूरे परिवार में संगीत का माहौल था। बनारस की टेढ़ी मेढ़ी गलियों के बीच बसे कबीर चौरा मोहल्ला में रहने वाले राजन साजन मिश्र ने बनारस के संकट मोचक मंदिर से युगल गायकी की शुरुआत की थी और महज 10 साल की कच्ची उम्र में ही दोनों सुरों के इतने पक्के थे कि इनकी गायकी की गूंज मंदिर के घंटों के साथ गूंजने लगी। नौ 10 साल की उम्र से परफॉर्मेंस शुरू कर दिए वहाँ बनारस में। इतने सारे मंदिर हैं और उन मंदिरों में श्रृंगार का प्रवाह होता था, श्रृंगार का एक जलसा होता था। तो उन दिनों में जो छोटे बच्चे होते थे उनकी हाजिरी, इसको बोलते हैं हाजिरी लगाई, और अंत में जो बुजुर्ग लोग होते थे, जो लीजेंड लोग होते थे, उनका होता था। बनारस में युगल ख्याली गायकी के सुर बिखेरने के बाद मिश्र बंधुओं ने दिल्ली का रुख किया, जहां से उनके असल करियर की शुरुआत हुई। सोशियोलॉजी में एमए करने के बाद साल 1973 में शुरुआती दिनों में राजन जी ने कुछ महीनों तक सोशल वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर काम किया, जिसे वो अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। 10 महीने हमने ट्रेनिंग ली, उसके बाद फिर हम संगीत में ही आ गए। संगीत में थे ही, वो कुछ परिस्थिति ऐसी थी, चाचा जी हमारे थे पंडित गोपाल मिश्र जी, तो उनकी वजह से हम यहाँ दिल्ली आए। इसी दौरान उनकी मुलाकात सतगुरु जगजीत सिंह जी से हुई। गुरु जी से मिली प्रेरणा को मार्गदर्शन मानकर मिश्र जी ने अपना संपूर्ण जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। उस दौरान में सतगुरु जगजीत सिंह जी ने हमारा गाना सुना और उन्होंने हमसे कहा कि आप अभी क्या कर रहे हैं। तो हमने उनको कहा कि अभी हम ट्रेनिंग में हैं। तो उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए, वो आपके लिए ठीक नहीं है, आप सिर्फ गाना गाइए। हमने कहा कि आपका तो आशीर्वाद ही बहुत है, आपने कह दिया, हुक्म कर दिया, मैं छोड़ दूंगा। दूसरे ही दिन जाके हमने रिजाइन कर दिया। साल 1973 में ही राजन जी ने दूरदर्शन के ऑल इंडिया रेडियो से एक नई शुरुआत की। अपने पहले पड़ाव में राजन जी ने गायकी से चयनकर्ताओं का दिल जीत कर ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी नौकरी पक्की कर ली। बड़े भाई के साथ युगल गायकी करने वाले पंडित साजन मिश्र ने भी अपनी पहचान ऑल इंडिया रेडियो के जरिए ही बनाई। दूरदर्शन पर गायकी करते मिश्र बंधुओं की जोड़ी को लोगों ने खूब सराहा। कानों में मिश्र की तरह घुल जाने वाली राजन साजन की आवाज बनारस के मंदिरों से बाहर निकलकर अब पूरे भारत में अपनी बुलंद पहचान बना चुकी थी। से हम लोगों की यात्रा आप कह सकती हैं, वैसे तो 67 से यात्रा शुरू है, मतलब मेजर कॉन्सर्ट्स। हम लोग संकट मोचन मंदिर बनारस में है, वहाँ 67 में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ किए। लेकिन 74 से हम लोगों की यात्रा जो है आम और लोगों के बीच में जाने लगा और बड़े बड़े शहरों में गाने का मौका मिला। सवाई गंधर्व वैसे फेस्टिवल में 75 में हम लोग आए, तो वहाँ से यात्रा हम लोगों की शुरू हुई। उस जमाने में आकाशवाणी बहुत बड़ा एक क्षेत्र होता था जहाँ से कलाकार आगे बढ़ने की संभावना होती थी, तो हम लोग बहुत ही लकी थे और लोगों का इतना स्नेह और प्यार था कि फिर पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों का गाना शुरू हुआ। मिश्र बंधुओं की युगल गायकी ने श्रोताओं पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, जिसके बाद साल 1978 में पहली बार उन्हें विदेश में प्रदर्शन करने का मौका मिला। And it's Rajan and Sajan Mishra. Devi Devata Nirakar hai, Devi Devata, Devi.
पहला ही डेलीगेशन भारत का गया था श्रीलंका में, और वहाँ मे डे सेलिब्रेशन होता है और हमें करीब 10 लाख लोगों के बीच में गाने का सौभाग्य मिला। उस समय जयवर्धने जी राष्ट्रपति थे और इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने हमें गाने का मौका मिला, वो हमारा पहला टूर था। श्रीलंका में अपनी छाप छोड़ने के बाद राजन साजन ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इटली, रशिया और इनका मिस्टरिस शहर लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल तक हो, ये अपनी ख्याली गायकी से गुलजार कर चुके हैं। यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा गया है संगीत को, वो इसलिए कहा गया है कि संगीत को किसी भाषा, जाति और क्षेत्र से नहीं बांधा जा सकता है, आत्मा की वाणी है। हम लोग यूरोप में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, इटली में, हर जगह गाए हैं, तो वो हमारी भाषा नहीं समझते लेकिन हमारे मनोभाव को समझते हैं, वो सुर को समझते हैं। साल 2007 पद्म भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार, 1998 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2012 में राष्ट्रीय तानसेन समन पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित हो चुके मिश्र बंधुओं को हाल ही में सिटीजनशिप ऑफ बाल्टीमोर यूएसए के खिताब से नवाजा गया है। हॉलैंड में परफॉर्मेंस के दौरान घटा हुआ क्या राजन जी को भुलाई नहीं भूलता, जब उन्हें दर्शकों से पूछना पड़ गया था कि क्या आपको हमारी गायकी पसंद नहीं आई। एक बार हॉलैंड में एक जगह है मैस्ट्रिच, वहाँ हम लोगों ने गाया, तो यूरोप में या अमेरिका में जहाँ भी गाया तो कार्यक्रम के बाद बहुत क्लैपिंग होता, लेकिन मैस्ट्रिच शहर में कोई भी क्लैपिंग नहीं हुआ, एकदम साइलेंस हो गया। हम लोग थोड़े से डिसअपॉइंट भी हुए कि आज क्लैपिंग क्यों नहीं हुआ। सेकेंड हाफ के लिए ग्रीन रूम में चले गए, लेकिन वहाँ के कुछ लोकल लोग आके बोले कि ऐसा लगता है कि क्लैपिंग नहीं होने से आप डिसअपॉइंटेड हैं। हमने कहा हाँ, हमेशा ही क्लैपिंग होता है, आज हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए कि आपके कार्यक्रम में कोई क्लैप नहीं करे, क्योंकि द वे यू मेक हारमोनी बाई योर मेलोडी, वो जो मेलोडी है, लेट अस गो विथ दैट मेलोडी, वो क्लैपिंग के आवाज़ से वो मेलोडी टूट जाती है, तो आपको अनाउंस करना चाहिए कि हमारे कार्यक्रम में कोई भी क्लैप नहीं करे। और इसका हमने बहुत जगह प्रयोग किया। भारत के साथ विदेशों में अपनी ख्याली गायकी का लोहा मनवा चुके राजन साजन मिश्र से जब हमने ये पूछा कि आप अपने श्रोता को किस नज़र से देखते हैं, तो उनके जवाब ने हमें भी हैरान कर दिया। यहाँ पे क्या है कि लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर है, तो वो उनका सुनने का जो तरीका है, यहाँ दाद देते हैं जैसे वाह, आहा, क्या बात। और वहाँ पे ये फ़र्क है कि वो प्रोग्राम के दौरान बहुत ही डिसिप्लिन वे में बैठते हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, और प्रोग्राम के बाद वो क्लैपिंग इतनी करते हैं कि आपको 3-4 बार वापस आना पड़ेगा। शास्त्रीय ख्याली गायकी के अलावा राजन जी को बॉलीवुड में भी गीत प्रस्तुत करने का मौका मिला। साल 1985 में आई फिल्म सुर संगम का ये गीत हे शिव शंकर, हे करुणाकर, परमानंद महेश्वर। लता जी के साथ म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुर, लिरिसिस्ट वसंत देव के अल्फाज और सिंगर राजन मिश्रा की आवाज से सजे इनके पहले और आखिरी फिल्मी गीत हैं। सुर संगम में जयप्रदा जी थी और गिरीश कर्नाड जी थे और के विश्वनाथ जी उसके डायरेक्टर थे और स्टोरी राइटर भी थे, सभी उनका कॉन्सेप्ट था। एक फिल्म साउथ में बहुत ही पॉपुलर हुई थी शंकराभरणम के नाम से, तो शंकराभरणम का वो हिंदी रीमेक था और उस फिल्म में 11 गाने हमने गाए, पूरी फिल्म हमने गाई, और उस बहाने हम लोगों को बॉलीवुड से परिचय भी हुआ।
स्वर उसका दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इसके अलावा राजन साजन मिश्र ने हाल ही में बिग मैजिक टीवी पर दिखाया जाने वाला रियलिटी शो बिग बाल कलाकार में स्पेशल जज के तौर पर खूब वाहवाही बटोरी। के अंदर में आज के परफॉर्मेंस से तो मैं ये कहता हूँ कि आदर्श कलाकार आप बनने जा रहे हैं। सभी बड़ी म्यूजिक कंपनी के लिए गाना गा चुके राजन साजन मिश्र ने हाल ही में एक रिकॉर्डिंग की है जिसका नाम है भैरव से भैरवी तक। जितनी भी कंपनियां भारत में हैं सभी के साथ कुछ न कुछ एल्बम है, लेकिन उनके 24 गानों के एक सीडी पैक का भारत में नहीं रिलीज होने का मलाल उन्हें हमेशा रहता है। इवन एक रिकॉर्डिंग हम लोगों की हॉलैंड से निकली महर्षि महेश योगी जी के लिए, 24 सीडी का वो रिकॉर्ड पैक था और आज वो बहुत पॉपुलर है वहाँ यूरोप में और खास करके अमेरिका में हर घर में वो मिल जाता है। वो बड़ा बुरा लगता है कहते हुए कि वो इंडिया में नहीं आ पाया, वो लॉन्च नहीं कर पाए, लेकिन वो एक बहुत बड़ा धरोहर उन्होंने रिकॉर्ड किया। 24 घंटे की 24 सीडी उन्होंने निकाली है। पिता की तरह ही बेटे रितेश और रजनीश 350 साल से चली आ रही ख्याली गायकी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साल 1991 से वो राजन साजन मिश्र के साथ मंच पर संगत करते हैं। हम लोग उनके साथ 91 से ट्रेवल कर रहे हैं साथ में, और उनके साथ जब भी हमने ट्रेवल किया और जब भी हमने परफॉर्म किया तो एक नया एक्सपीरियंस रहा है। हमारे गुरु लोगों को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, ये मैं खुद बोलता हूँ तो थोड़ा शायद अजीब लगे, लेकिन यस दे आर गॉड्स ऑफ वोकल म्यूज़िक। पंडित भीमसेन जोशी जी ने जिस चीज़ को साबित किया, उसके बाद इन लोगों ने उस चीज़ को साबित किया है, प्रूव किया है दुनिया भर में। हम लोग भी ऐसे ही फॉलो करते हैं अपने फादर का फुटस्टेप और कोशिश करते हैं कि उसमें हम आगे अपना भी कुछ नीच क्रिएट कर सकें। और अभी तक का जो भी हमारा 24-25 ईयर्स का सफ़र रहा है परफॉर्मिंग लाइन में, वो बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत ही सुखद रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि एक इतने बड़े बाप के बेटे होना जो है वो अपने आप में बहुत एक चैलेंज होता है। जहाँ भी हम प्रोग्राम करने जाते हैं, लोगों की जो आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो हमसे बहुत ज़्यादा होती है कि उनके बेटे आ रहे हैं तो वो भी ऐसा ही गाएंगे। म्यूज़िक क्षेत्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे म्यूज़िक डायरेक्शन है, लिरिक्स राइटिंग है या गाना है, वो करना मुझे बहुत पसंद है। देहरादून में गुरुकुल नाम की संस्था चला रहे मिश्र बंधु यहाँ शास्त्रीय संगीत और ख्याली गायकी को बढ़ावा दे रहे हैं। 18 साल से चल रही संस्था में मिश्र जी संगीत जगत से जुड़े लोगों के साथ साल में दो बड़े कार्यक्रम रखते हैं। हमारे अपनी ही गुरुकुल एक परंपरा चलती है वहाँ देहरादून में, गुरुकुल है वहाँ, हम बच्चों को सिखाते हैं और एडवांस ट्रेनिंग वहाँ पे देते हैं, और कोई ऐसे संस्थान से अपना जुड़ाव नहीं है। देहरादून में बहुत खूबसूरत गुरुकुल बनाया पिताजी लोगों ने, और उसमें हम लोग सभी स्टूडेंट्स लोग जाते हैं साल में दो बार तीन बार, और वहाँ पे पिताजी के कहने पे हमने हर महीने एक बैठक भी शुरू कर दी जिसमें कि बड़े बड़े कलाकार भी आते हैं, और साल में हम दो बड़े इवेंट्स करते हैं जो कि शहर के लोगों के लिए। सो इनकी ये सोच थी कि देहरादून एक ऐसे सुकून वाली जगह है जहाँ हम म्यूज़िक को बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं और अच्छी सोच उसमें डाल सकते हैं, क्रिएटिविटी वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। तो उसी सोच से वो गुरुकुल बना और आज पास 17-18 ईयर्स से वो बहुत सक्सेसफुली, नॉट दैट कमर्शियल बट बहुत ही सक्सेसफुली वो चल रहा है। अपने भरे पूरे परिवार के साथ राजन साजन मिश्र अपनी दैनिक दिनचर्या की शुरुआत थोड़ी बहुत वर्जिश
और संगीत रियाज से करते हैं। फिल्में देखना, गाने सुनना, नेशनल पार्क घूमना और पहाड़ों पर सैर सपाटा इनके पसंदीदा शौक हैं। इसके अलावा दोनों भाई क्रिकेट भी खूब खेलते हैं। खूब हॉबी बहुत है, स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा हम लोगों को। कॉलेज टीम में भैया कैप्टन भी थे, फिर उनके जाने के बाद मैं हुआ कैप्टन। स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रही, खास करके क्रिकेट और फुटबॉल और टेनिस, लॉन टेनिस में। और फिल्म का भी शौक है, लेकिन अच्छी फिल्म देखने का शौक है। तो जब भी अच्छी फिल्म आती है तो हम लोग ज़रूर जाते हैं। खास करके जंगल और पहाड़ों में जाने का बहुत शौक है, तो हर साल हम लोग जंगल 2-3 बार जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, जहाँ शांति, जहाँ मोबाइल नहीं चलता है, जहाँ न्यूज़पेपर नहीं है, ऐसी एकदम इंटीरियर जगहों पे जाते हैं। कई जगह तो लाइट भी नहीं होती है, मोमबत्ती में जीना पड़ता है। सबसे फेवरेट इनका टाइम पास है कॉर्बेट जाना, जंगल जाना। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क हम जाते हैं साल में 3-4 बार साथ। और पिताजी लोगों को इतना क्रेज़ है कि अपने कुछ कॉन्सर्ट्स छोड़ के भी जाना पसंद करते हैं, कि वो तो होता रहेगा ये मस्ती जो है। पुस्तों से चली आ रही ख्याली गायकी के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने बेटों को गायकी के गुर सिखा रहे हैं, ताकि खानदान की विरासत रही ख्याली गायकी की गूंज पूरी दुनिया में ऐसी ही गूंजती रहे। तो हम यही कहते हैं कि हम शरीर से दो हैं, आत्मा से एक हो गए हैं। हम लोगों की अभिलाषा यही है कि हम लोग जब तक शरीर में हैं गाते रहें, और शरीर जब छूटे तो वो भी गाते गाते छूटे, तो वो अगर ईश्वर तमन्ना पूरी करे तो उससे बड़ी बात और हमारे लिए कुछ नहीं। भंग के छलैया और डंग के धरैया, भंग के छलैया डंग के धरैया, तुम भोलेनाथ।